खरगोन के सेगांव में जिला पंचायत सीईओ के खराब व्यवहार व फर्जी शिकायत के चलते कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। सीएम हेल्पलाइन के संतुष्टि पूर्वक बंद करवाने के अनावश्यक दबाव के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों संगठनों ने कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी, जिसका असर ग्राम पंचायतों के कामकाज पर भी दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता ने। नमस्कार, आज सेगांव विकास खंड के पूरे ब्लॉक के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने आज अपनी 9 मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू की है। क्या है इनकी 9 मांगे और जिला पंचायत सीईओ को लेकर क्या आक्रोश जता रहे हैं, ये हमारे बीच में यहाँ पर हमारे बीच खोलगांव पंचायत के सरपंच गोपाल भाई भाबर मौजूद हैं। आइए उनसे सुनते हैं, समझते हैं कि किस बात को लेकर इतना आक्रोश है और क्यों उन्होंने ये हड़ताल करी। सरपंच साहब, आज आप सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप सरपंच संघ के अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष बनने के बाद तत्काल आपने एक कदम उठा लिया कि पूरे ही ब्लॉक की पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायकों के साथ आप हड़ताल पे जा रहे हो, क्या कारण है ये हड़ताल करने का? ये पूरा जैसे जिले में सीओ जिला पंचायत के वहाँ पर गए थे समस्या को हल कर लेकर, तो वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई और जिला कलेक्टर के वहाँ पर 45 मिनट तक गए थे ज्ञापन देने के लिए, तो कोई लेने के लिए आए नहीं। और जब आए थे तो कुछ सरपंच के साथ गलत साहब ने व्यवहार किया, इसलिए सब सरपंचों ने मिलकर ब्लॉक और जिला लेवल की पूरी 9 ब्लॉक हड़पल उतरने का एक मात्र वो। तो आप संगठन के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ से बात भी कर सकते थे, हड़ताल का ही रास्ता क्यों चुना? नहीं, ये हमारे से बात करने के लिए कोई मतलब अधिकारी और विधायक लोगों को भी हमने उसी दिन सभी विधायकों को दे दिया था भाई, कोई बात करे तो हम उनसे कोई नाराजी थोड़ी है, अगर हमारी बात पे सहमत हो जाए तो हमको कोई इतराज नहीं। अच्छा, जिला पंचायत सीईओ को लेकर आपका आक्रोश है, इसके अलावा आपकी और क्या मांग है जिसको लेकर आप हड़ताल कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये सीएम हेल्पलाइन आज ही बंद करने का बोलते हैं, आज ही बोलो, ये दबाव सबसे बड़ा है। और तहसील स्तर की बात है वो तो ठीक है, पर वो तो दूसरे तहसील के भी लोग आकर यहाँ मतलब दबाव बना रहे और वो बिना देखे मौके पर आकर रिपोर्टें बना के देते हैं, तो उसको वो तो खोलगांव कहाँ है, मालीपुरा कहाँ है उनको तो मालूम नहीं रहता, उनके बावजूद भी शिकायत करते तो उसको हम कैसे उससे मिलने जाए, और मिलने जाए तो मिले नहीं, वो बात नहीं करने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा और क्या मुख्य बात ये है कि मुख्य बिंदु ये की है कि हम कभी वो आयुष्मान कार्ड बनाने जाते हैं तो वो सर्वर तो चल ही नहीं रहा, और दो दो तीन तीन लैपटॉप लेके जाते, दस दस बारह बारह बनते हैं, तो टारगेट पूरा मांगता है, तो टारगेट उस हिसाब से जब नेट ही नहीं चलता तो टारगेट कहाँ से पूरा करें। अच्छा, दूसरी बात, हम अगर किसान के यहाँ जाते हैं या घर जाते हैं तो बोले खेत में गए, तो खेत में आने से घर आने के लिए तैयार नहीं रहते लोग। कब तक आप ये हड़ताल को जारी रखेंगे? हड़ताल ये हमारे कि जैसे कि हमारे वातावरण में या परिवर्तन कर ले और बात करने के लिए जिला पंचायत और कोई भी अधिकारी हमारे से बात का संतुष्ट दे दे तो हमको कोई इतराज थोड़ी है, कोई दूसरी हमारे से कोई नाराजी नहीं। तो देखा आपने कितनी छोटी सी बात है, अगर जिला पंचायत सीईओ सरपंच सचिव संगठन से बात कर लेती है और इनकी समस्याओं को सुन भर भी लेती है तो वो अपनी हड़ताल बंद करने को तैयार है। फिलहाल ये पूरा संगठन पूरे जिले स्तर पर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे जा रहा है, कामकाज किस प्रकार से ठप्प होगा, लोग किस प्रकार से परेशान होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। MP News के लिए सेगांव से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट।